स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान श्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल पर। मैं पूनम भनवाला आज आपके लिए लेकर आई हूँ एचएसएससी का नया टॉपिक हरियाणा जीके का, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्तमान शहरों के प्राचीन नाम, जो वर्तमान में हरियाणा के शहर हैं उनका उनके पुराने नाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? कानोड। तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कानोड। ये क्वेश्चन एचएसएससी में रिपीट हो चुका है कि महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कानोड, और महेंद्रगढ़ में जो है कानोड का किला भी कहाँ रहेगा? हमारा महेंद्रगढ़ में। तो क्वेश्चन आता है कि कानोड का किला कहाँ पर है? तो हमें आंसर देना है महेंद्रगढ़। और माधोगढ़ का किला भी कहाँ पे रहेगा? महेंद्रगढ़ में। और जो है महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? खनिजों की सिटी। तो खनिजों की सिटी कहाँ कौन सी रहेगी? हमारी महेंद्रगढ़। अगला है नारनौल, और नारनौल का पुराना नाम है नरराष्ट्र। तो नारनौल का पुराना नाम है नरराष्ट्र। ये नारनौल नगर भी कहाँ रहेगा? हमारा महेंद्रगढ़। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट नगर है तो उनसे ये पूछ लिया जाता है कि ये किस जिले में रहेंगे। तो नारनौल रहेगा हमारा महेंद्रगढ़ जिले में। और नारनौल में क्या है? सबसे ज्यादा मकबरे कहाँ पर है हरियाणा में? नारनौल में। अगला हमारा है औरंगाबाद। औरंगाबाद जो नगर है ये रहेगा हमारा पलवल जिले में। तो औरंगाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रकृति नाग। तो प्रकृति नाग क्या था? औरंगाबाद का पुराना नाम। इस साइड मैंने ये लिखा है नौरंगाबाद। तो ऐसे क्वेश्चनों से क्या है कि कंफ्यूजन होती है कि नौरंगाबाद, अगर नौरंगाबाद आता है तो ये रहेगा हमारा भिवानी में, और औरंगाबाद आता है तो ये रहेगा हमारा पलवल में। अगला है पेहवा। पेहवा हमारा रहेगा कुरुक्षेत्र जिले में, और पेहवा का जो पुराना नाम है वो है पृथ्वी दक। तो पेहवा का पुराना नाम रहेगा पृथ्वी दक। पेहवा से एक क्वेश्चन हो रहा है जैसे अक्सर पूछ लेती है कि जो राजा मिहिर भोज थे उनके समय में यहाँ पर क्या होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि घोड़ों का व्यापार से कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो हमें आंसर देना है पेहवा। और वहां पे घोड़ों का व्यापार किसके टाइम में होता था? राजा मिहिर भोज के टाइम पर। अगला हमारा नगर है बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ शहर का पुराना नाम क्या था? सरफाबाद। तो बहादुरगढ़ हमारा रहेगा झज्जर जिले में। तो झज्जर को क्या कहते हैं? शहीदों का शहर। तो झज्जर को क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर। और बहादुरगढ़ रहेगा हमारा झज्जर जिले में। झज्जर और इसका जो है बहादुरगढ़ का पुराना नाम है सराफाबाद। और इसको क्या है, बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा फतेहाबाद। फतेहाबाद का पुराना नाम है इकदार। तो क्वेश्चन आता है कि फतेहाबाद का पुराना नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा इकदार। और फतेहाबाद को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। तो हरियाणा की पिंक सिटी रहेगा फतेहाबाद, और भारत की पिंक सिटी रहेगा जयपुर। इंडिया जीके इससे क्वेश्चन पूछती है कि भारत का जो है पिंक सिटी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा जयपुर। हरियाणा की पिंक सिटी पूछा जाए तो उसका आंसर होगा फतेहाबाद, और इसका पुराना नाम है इकदार। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है जींद। जींद का पुराना नाम है जैनपुरी। तो जींद से दो तीन क्वेश्चन और स्टूडेंट बन जाते हैं। जींद को क्या कहा जाता है? हरियाणा का हृदय। तो हरियाणा का हृदय क्या रहेगा? जींद। लेकिन एक बार एचएसएससी में क्वेश्चन आया था कि हरियाणा का हृदय कौन सा नगर है, लेकिन उसमें क्या है, जींद ऑप्शन में नहीं था, वहां पे क्या था? रोहतक। और रोहतक को आंसर माना गया था। तो अगर ऑप्शन में जींद नहीं आता है तो रोहतक, अगर ऑप्शन में जींद देते हैं तो उसका आंसर हरियाणा का हृदय में जींद आंसर होगा। और जींद को क्या कहा जाता है? दुग्ध नगरी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा भैंसे हरियाणा में किस जिले में है? जींद जिले में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? दुग्ध नगरी। अगला हमारा शहर है महम। तो महम का पुराना नाम है महेश, और ये महम जो है रोहतक जिले में है। तो महम कहाँ पर है? हमारा रोहतक जिले में। महम से तीन चार क्वेश्चन और बन जाते हैं। तो क्या है, चांदनी चौक की बावड़ी वो कहाँ पे रहेंगी? हमारी महम में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि चांदनी चौक की बावड़ी कहाँ है? महम में। और चौबीसी का चबूतरा भी कहाँ रहेगा? हमारा महम में। और जो हमारे करंट में मुख्यमंत्री है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी जन्मस्थली भी जो क्या रहेगी? हमारी महम। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किस तहसील में मनोहर लाल खट्टर जी का जन्म हुआ था, तो वो हुआ था महम, और महम रहेगा हमारा रोहतक जिले में। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा रेवाड़ी। रेवाड़ी का पुराना नाम है रवावड़ी। रवावड़ी किसका पुराना नाम है? रेवाड़ी का। और रेवाड़ी को क्या कहा जाता है? पीतल नगरी।
नगरी भी कहा जाता है। रेवाड़ी को क्या कहा जाता है? पीतल नगरी, और इसका पुराना नाम रहेगा रवावड़ी। लेकिन पीतल नगरी आए तो आंसर होगा रेवाड़ी, लेकिन बर्तनों की नगरी अगर पेपर में आता है तो उसका आंसर होगा जगाधरी। तो पीतल नगरी रेवाड़ी और बर्तनों की नगरी रहेगा जगाधरी। अगला हमारा नगर है सफीदो। सफीदो का पुराना नाम क्या रहेगा? सरफ दमन। और सफीदो क्या है? जींद जिले में है। तो सफीदो कहां पर है? जींद जिले में, और इसका पुराना नाम है सरफ दमन। इसका संबंध किससे है? राजा जनमेजय से। तो सफीदो का संबंध किससे है? राजा जनमेजय से। और ये जो राजा जनमेजय थे ये किसके पुत्र थे? परीक्षित के पुत्र थे। अगला हमारा है अग्रोहा। अग्रोहा का पुराना नाम रहेगा अग्रोदका। तो अग्रोदका किसका पुराना नाम है? अग्रोहा का। और ये अग्रोहा नगर जो कहां पर रहेगा? ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो जो ये जो अग्रोहा शहर है ये किसे? राजा अग्रसेन ने बसाया था। तो इसको किसने बसाया था? राजा अग्रसेन ने। अगला हमारा है हांसी। हांसी भी कहां रहेगा? हिसार में। हांसी का पुराना नाम है आसी। आसी किसका पुराना नाम है? हांसी का। और जो हांसी को क्या है? पुलिस जिला भी बनाया गया है। तो हरियाणा में पुलिस जिला किसको बनाया गया है? हांसी को। अगला है हमारा कैथल। कैथल का पुराना नाम रहेगा कपिल स्थल। तो कपिल स्थल किसका पुराना नाम है? कैथल का। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो कैथल का पुराना नाम है कपिल स्थल, और जो है यहाँ पर क्या है? कपिल मुनि का जन्म हुआ था, तो इसलिए इसको कपिल स्थल कहा जाता है। और कैथल को क्या कहा जाता है? छोटी काशी, वानरों का शहर। वानरों का शहर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान हनुमान का जन्म स्थली भी कैथल को माना जाता है। तो इसको वानरों का शहर, नव ग्रह कुंडों के कारण जो है इसको छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी से स्टूडेंट दो क्वेश्चन बनते हैं। तो छोटी काशी भिवानी को भी कहा जाता है, और छोटी काशी जो है कैथल को भी कहा जाता है। तो कैथल को नव ग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहा जाता है, लेकिन भिवानी में क्या है? मंदिर की अधिकता है, इसलिए मंदिर की अधिकता के कारण जो है भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें क्या है? ऑप्शन को देख के ही करने हैं। अगला हमारा है थानेसर। थानेसर रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, और थानेसर का पुराना नाम है स्थानेश्वर। तो थानेसर का पुराना नाम है स्थानेश्वर। जो ये स्थानेश्वर जो है ये राजा हर्षवर्धन की क्या थी? राजधानी थी। पुराने टाइम में ये क्या थी? राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेसर। तो अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है रोहतक। रोहतक का पुराना नाम है रोहितास। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या है? ऑप्शन देख के, मतलब साउंड से रिलेट करके भी ठीक कर सकते हैं। तो रोहतक का क्या नाम है? रोहितास। जैसे ही क्वेश्चन आता है कि रोहतक का पुराना नाम, तो ऑप्शन से हम इसको कर सकते हैं रोहितास। तो रोहतक को क्या कहा जाता है? एजुकेशन का हब। एजुकेशन का हब रहेगा हमारा रोहतक, लेकिन एजुकेशन सिटी रहेगा सोनीपत। तो और क्या कहा जाता है रोहतक को? सुगर सिटी भी रोहतक को कहा जाता है। अगला हमारा है यमुनानगर। और यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। तो यमुनानगर का पुराना नाम क्या रहेगा? अब्दुल्लापुर। और यमुनानगर को और क्या कहा जाता है? पेपर सिटी और मछुआरों का स्वर्ग। मछुआरों का स्वर्ग भी किसको कहा जाता है? यमुनानगर को, पेपर सिटी यमुनानगर। अगला हमारा है जगाधरी। और जगाधरी का पुराना नाम क्या है? युगंधर। युगंधर किसका पुराना नाम है? जगाधरी का। और जगाधरी कहां पे रहेगा? यमुनानगर में। और जो ये जगाधरी को क्या है? जगाधरी और यमुनानगर हरियाणा के क्या है? ये जुड़वा नगर है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के जुड़वा नगर कौन से हैं? जगाधरी और यमुनानगर। और कई बार स्टूडेंट्स जो है जो है नेशनल जीके से में भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के जुड़वा नगर, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है भारत के जुड़वा नगर है, और हरियाणा के जुड़वा नगर है यमुनानगर और जगाधरी। और जगाधरी को क्या कहा जाता है? बर्तनों की नगरी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, बर्तनों की नगरी अगर क्वेश्चन में आता है तो उसका आंसर होगा जगाधरी, लेकिन पीतल नगरी अगर आता है तो उसका आंसर होगा रेवाड़ी। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है शरणावत। तो कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है? शरणावत। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी और परकों का शहर। तो परकों का शहर किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र में क्या है? महाभारत का युद्ध हुआ था। तो वो युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। क्योंकि पिछले एग्जामों में जो है महाभारत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था। अगर वहां पे शरणावत ऑप्शन में है तो हम उसका आंसर शरणावत दे सकते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है? शरणावत। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला। पंचकुला का पुराना नाम क्या है? पंचपुर। तो पंच
मिले थे, तो उन पांच कुओं से इसका नाम पड़ा पंचपुर, और धीरे धीरे ये बदल के कर क्या हो गया है, अब वर्तमान में इसका नाम हो गया है पंचकुला। नेक्स्ट है हमारा करनाल, करनाल का पुराना नाम है करण ताल। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो महाभारत के कर्ण है उनका संबंध रहा है करनाल से, तो करणताल और अब इसका नाम है करनाल। करनाल को क्या कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस भी करनाल को कहा जाता है और दान का कटोरा भी करनाल को कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा दान कापे होते हैं करनाल में। लेकिन दान की सबसे ज्यादा किस्में किस जिले में पाई जाती है, कैथल में, और दान सबसे ज्यादा किस जिले में होती है, करनाल में। तो दान का कटोरा भी क्या है, करनाल रहेगा। और करनाल क्या है, हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहरों में भी करनाल का नाम लिया जाता है। अगला हमारा है मेवात, मेवात का नाम बदलकर नूह हो गया है, और इसका पुराना नाम क्या था, सत्यमेव पुरम। तो मेवात का पुराना नाम था सत्यमेव पुरम, महाभारत के टाइम इसको क्या कहा जाता था, मेवात को, सत्यमेव पुरम। अब मेवात को नया नाम दिया गया है नूह। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ पे रहती है, तो वो रहेगी हमारी नूह मेवात में। तो मेवात का पुराना नाम है सत्यमेव पुरम। अगला हमारा है रानिया, और रानिया कहाँ पे रहेगा, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। रानिया का पुराना नाम है गजबपुर, तो गजबपुर किसका पुराना नाम है, रानिया का। ये ऐसे नाम स्टूडेंट्स इनको जो हम साउंड से रिलेट करके पुराना नाम नहीं बता सकते, तो ऐसे को हमें क्या है, याद करना पड़ेगा। रानिया का पूरा नाम है गजबपुर, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। अगला हमारा है एलनाबाद, और एलनाबाद का पुराना नाम क्या है, खड़ियल। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि खड़ियल किसका पुराना नाम है, तो ये एलनाबाद नगर का जो है पुराना नाम खड़ियल है, और ये भी कहां पे रहेगा, हमारा सिरसा में। अगला हमारा है सिरसा, और सिरसा का पुराना नाम क्या है, सरिस्कम। तो सिरसा का पुराना नाम है सरिस्कम। यहाँ पर क्या है कि सरिस्कम नाम के पहले क्या होते थे, वन होते थे, तो उससे इसका नाम पड़ा सरिस्कम, और सरिस्कम से धीरे धीरे बदल कर क्या बन गया इसका, सिरसा। और सिरसा को क्या कहा जाता है, सरस्वती नगर भी कहा जाता है और वन नगरी भी कहा जाता है सिरसा को। सिरसा में क्या है, सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होती है, हमारे सिरसा में। और सिरसा का पुराना नाम क्या आएगा, सरिस्कम, और ये नाम किससे पड़ा है, वन से। सरिस्कम नामक वन वहां पर होता था, तो उससे सिरसा का नाम जो है सरिस्कम पड़, तो सिरसा से क्या है, पुराना नाम है सरिस्कम। और सिरसा से एक क्वेश्चन हो रहा है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पे रहेगा, हमारा सिरसा में। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रहेगा फरीदाबाद में, और सबसे कम रहेगा सिरसा में। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत, सोनीपत का पुराना नाम है सोनप्रस्थ। तो सोनीपत का पुराना नाम है सोनप्रस्थ। सोनीपत को क्या है, एजुकेशन सिटी भी कहा जाता है, एजुकेशन का हब होगा रोहतक, और एजुकेशन सिटी आए तो सोनीपत। और सोनीपत से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सोनीपत जो है पूरे भारत में इसका जो है मशरूम उत्पादन में पहला जो पहली रैंक है, तो सबसे ज्यादा मशरूम कहां पर होता है, सोनीपत में। पूरे भारत का जो है मशरूम सबसे ज्यादा होता है हरियाणा के सोनीपत में। अगला हमारा है पानीपत, और पानीपत का पुराना नाम है पानप्रस्थ। तो पानीपत का पुराना नाम क्या रहेगा, पानप्रस्थ। पानीपत को क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर। तो पानीपत को कहा जाता है बुनकरों का शहर, युद्ध नगरी भी जो है पानीपत को कहा जाता है। और पानीपत में क्या है, दरी उद्योग, कंबल उद्योग सबसे ज्यादा है। जो भारतीय सेना में कंबल जाते हैं उसका कम से कम 75% जो है पानीपत से जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हमारी सेना के लिए 75% कंबल कहां बनते हैं, वो बनते हैं पानीपत में। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर। अगला हमारा है कालका, कालका का पुराना नाम क्या रहेगा, कालकुट। और ये कालका कहां पे रहेगा, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, और इसका पुराना नाम है कालकुट। अगला है हमारा गोहाना, गोहाना रहेगा हमारा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो गोहाना का पुराना नाम है गवन मोहाना। तो गवन मोहाना, और गोहाना किसके लिए प्रसिद्ध है, जलेबियों का शहर, मतलब ये जलेबियों के लिए प्रसिद्ध है गोहाना। और गोहाना नगर की स्थापना किसने की थी, पृथ्वीराज चौहान ने। तो गोहाना नगर किसने बसाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है पलवल, पलवल का पुराना नाम रहेगा ए पलवा। ए पलवा किसका पुराना नाम रहेगा, पलवल का। तो पलवल को क्या कहा जाता है, कॉटन सिटी। कॉटन सिटी किसको कहा जाता है, पलवल को, और इसका पुराना नाम रहेगा
है पलवार। यहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा कॉटन यहाँ पे नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉटन के उद्योग सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है कॉटन सिटी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।